नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम शुभम सर ऑनलाइन माई स्कूल की पूरी टीम की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनके डेट आते हैं और चले जाते हैं, हम लोग को पता नहीं चलता है। तो आप क्या करिए कि हम लोग के चैनल ऑनलाइन माई स्कूल को रेड कलर का वहाँ बटन आ रहा होगा, उस पर सब्सक्राइब पर क्लिक कर लीजिए। तो उसके बगल में एक बेल आएगा, उस बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए। क्योंकि होगा ये कि हम लोग क्लास के वीडियोस के साथ साथ, जैसे जो भी क्लास हम लोग पढ़ा रहे हैं इस चैनल पे ना, आपको क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो मिलेंगे। और साथ ही साथ में जो भी एग्ज़ाम्स आएंगे उनके बारे में हर तरह की जानकारी दी जाएगी। तो आपको करना क्या है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, आपको हर एग्ज़ाम्स के बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, देखिए यहाँ हम लोग कुछ और बात भी करना चाह रहे हैं आपसे। जैसे कई बार बच्चों के दिमाग में क्या होता है ना कि वो कंपटीशन और बोर्ड को एकदम अलग अलग मान के चलते हैं। जैसे जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है उसको लगता है कि सर, अरे सर, हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी तो कर ही नहीं पा रहे हैं। और जो बच्चा बोर्ड के लिए पढ़ रहा होता है उसको लगता है कि अरे सर, हमारा तो लग रहा है बोर्ड में अच्छा हो पाएगा, हमको कॉम्पिटिशन के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम लोग आपको ये सिखाना चाह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। कॉम्पिटिशन और बोर्ड अलग अलग नहीं होता है। जैसे अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को बस रट रहे हैं कि अरे सर कुछ लिखा हुआ है, अरे रटना है रटना है रटना ऐसे करेंगे, तो हो सकता है कि आप केवल बोर्ड में ही अच्छा करें। लेकिन अगर आप उसी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, लॉजिकल समझ रहे हैं कि अरे यार ये क्यों हो रहा है, इस फॉर्मूले में इसका क्या मतलब है, ये सब अगर आप समझ रहे हैं ना, तो आप बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिशन में भी निश्चित तौर पर अच्छा करेंगे। तो हम लोग ना बस इसी गैप को, इसी जो भ्रांति जो आपके मन में ये डर बैठा हुआ है कि कंपटीशन और बोर्ड अलग अलग है, दोनों की तैयारी अलग अलग करना होता है, वो ऐसा नहीं है। इसीलिए हम लोग ये पूरा चैनल या हमारी पूरी टीम इसी प्रयास में ये चैनल स्टार्ट की हुई है कि आपको हम लोग इसी तरह से पढ़ाएंगे कि आपको ये लग जाए कि बोर्ड और कॉम्पिटिशन अलग अलग नहीं है। जैसे हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है, वो ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है किसी वस्तु को लेके इस तरह से, ठीक है, ऐसे चला। मान लेते हैं कि यहाँ पर उसका जो प्रारंभिक वेग है, चाल है, वो दे दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यहाँ से अपना गति चालू किया बेचारा, तो टहलता टहलता यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसका अंतिम वेग पूछा जा रहा है, यहाँ तक पहुँचने में इसको समय लग गया है 5 सेकेंड का, ठीक है। और इस वस्तु का, जो ये वस्तु चल रहा है, इस वस्तु का त्वरण भी दे दिया गया है कितना, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ऐसे दे दिया गया है। तो चलो वीडियो रोक लेते हैं पहले एक बार और इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है भाई? ये पूछा जा रहा है कि भाई v की वैल्यू कितनी है। हम लोगों को u पता है, u पता है, a पता है और t पता है, ठीक है, ये चीजें पता है। तो हम लोग एक मिनट के लिए वीडियो रोक के पहले ट्राई कर लेते हैं इसको। तो कर लिए क्या ट्राई? सोचते हैं एक बार कि सर क्या दिया हो, पहले उसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग कि सर हम लोग को दिया हुआ है कि भैया v का मान पता करना। बोले अच्छा अच्छा जो पता उसको लिख लेते हैं। इसका प्रारंभिक चाल दे दिया गया कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड, सही है क्या ये? फिर हम लोग को दे दिया गया इसका समय कि भाई लगने वाला समय कितना है, तो वो है 5 सेकंड, ठीक। और हम लोगों को त्वरण दे दिया गया है कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब सोचना शुरू कर दे कि सर यू पता है, ए पता है, टी पता है और वी पूछा जा रहा है। सोचते सोचते हम लोग समझ में आया कि अच्छा कि सर हम लोग को एक फॉर्मूला हम लोग को याद आ रहा है, हम लोग अपनी पुरानी कक्षाओं में पढ़ के आ चुके हैं कि वी बराबर क्या होता है, यू प्लस ए टी। तो यू पता है क्या? बोले हाँ सर यू तो पता है 10, ए पता है क्या? हाँ इरा 10, और टाइम कितना है? बोले 5, गुड़ा बिड़ा कर लेंगे अगर तो 50 और ये 10 60, तो कितना आ जाएगा 60 मीटर प्रति सेकंड। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो हम लोग का क्या आ गया अंतिम में कि सर कितना आसान क्वेश्चन दिए थे, ये तो हो गया। तो क्या ये सही लग रहा है क्या? बोले बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये गलत है। अब दिमाग में फिर क्वेश्चन आया कि सर ये कैसे हो सकता है, ये तो हम लोग अपनी पुरानी सारी कक्षाओं में पढ़ के आए हैं कि भाई वी बराबर यू प्लस ए टी होता है, यू दिया है, ए दिया है, टी दिया है, रख दिए। लेकिन ये गलत है, क्यों? क्योंकि जब हम लोग करते थे ये सारे प्रश्न, तो हम लोग की बुक्स में या एनसीईआरटी में ये दिया गया रहता था कि जो वस्तु है वो सरल रेखीय पथ या ऋजु रेखीय पथ पर गति कर रहा है। जबकि यहाँ अगर हम लोग ध्यान दें तो ये वस्तु ऐसे मुड़ गया है, ऐसे मुड़ा है, देखो ऐसे मुड़ गया ये। तो बोले हाँ सर तो मुड़ गया। अब जब ये मुड़ गया है तब तो सरल रेखीय पथ पर गति नहीं कर रहा है, तो ये समीकरण, ये सूत्र केवल तभी लग सकता है
जब वस्तु कैसे गति कर रहा हो, सरल रेखीय पथ पे गति कर रहा हो, ठीक है, ये समझ में आ गया हम लोग को, ठीक है। अब हम ना इसी तरह का एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से उस पर भी सोचते हैं हम लोग एक बार, एक और क्वेश्चन सुनना भाई। मान लेते हैं कि हम एक और वस्तु लेके आए, देखना, एक और वस्तु लेके आए इस तरह से, ये इधर की तरफ चल रहा है, इसका प्रारंभिक वेग दे दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड दे दिया गया, ठीक है। अच्छा भाई, यहां पे ये वस्तु पहुंच रहा है टी बराबर 2 सेकंड के बाद यहां पहुंचा, ठीक है, 2 सेकंड के बाद, और इसका हम लोगों से पूछा जा रहा है कि यहां पर इसका अंतिम वेग कितना होगा, ठीक है, और इस रास्ते में जो इसका त्वरण था, त्वरण, अरे एक मिनट, बहुत छोटा लिख दिया क्या, जो त्वरण है वो है 2t मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये दिया गया है, ठीक है, कि 2 सेकंड बाद उसकी चाल कितनी हो जाएगी। अब वीडियो रोक के फिर से एक बार, एक मिनट के लिए रोक के इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर लेते हैं। प्रारंभिक चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है, और अंतिम चाल पूछ रहे हैं, ट्राई करते हैं एक बार, कर लिए क्या ट्राई, देखना सुनना ध्यान से, फिर से सोचते हैं भाई कि v के बारे में सर पता लगाना है, u तो पता ही है कि u बेचारा तो 10 मीटर पर सेकंड है, अच्छा टाइम कितना है, टाइम जो है वो 2 सेकंड है, और जो एक्सेलरेशन है वो दे दिया गया है 2t मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सही है क्या, बोले हाँ सर ये बात तो सही है। अच्छा अब हम लोग दिमाग में आएगा, एक मिनट सर, इस टाइप का क्वेश्चन तो अभी करके आ रही है, ये सूत्र फिर से लगा लेते हैं एक बार, तो हम लोग सोचें कि सर v बराबर u प्लस at होता है, चलिए लगाया जाए, u का मान कितना 10, a का मान कितना 2t, और पीछे t तो चल ही रहा है बेचारा, अच्छा ये t का मान है कितना 2, तो यहां पे भी 2 रख दिए, यहां पे भी 2 रख दिए, क्योंकि टाइम कितना था 2t, मतलब टाइम जो था वो तो 2 सेकंड था ही, तो 2 2 4 4 2 8, तो ये 8 आएगा, तो यहां पे 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, आ जाएगा 18 मीटर प्रति सेकंड, ये बात समझ में आ रही है, बोले हाँ सर अब तो समझ में आ गया हम लोग को, तो क्या ये सही लग रहा है, क्या क्या ये अंतिम चाल का मान सही लग रहा है, बोले हाँ सर सही तो लग रहा है, लेकिन फिर से ये जो है वो अब गलत हो गया। अब फिर दिमाग में आया, अरे सर ये तो क्या सरल रेखा पे चल रहा है क्या, बोले हाँ सर अब तो नहीं फंसेंगे, अब एक बार फंस गए फंस गए, अब तुम लोग को दिख रहा है साफ है सरल रेखा में चल रहा है, अब कहां गड़बड़ हो गया, बोले इस सूत्र में एक और शर्त होती है, फिर से वही बात कि जब हम लोग बुक में से क्वेश्चन या एनसीईआरटी से क्वेश्चन करते थे तो वहां लिखा रहता था हमेशा, क्या लिखा रहता था कि जो त्वरण है ना वो नियत त्वरण है, तो क्या यहां पर जो त्वरण है वो नियत है क्या, क्या ये 2t मीटर पर सेकंड स्क्वायर नियत त्वरण है, देखते हैं एक बार, अगर हम लोग इसको यहां लेके आते हैं एक बार, अगर हम लोग ये लिखें कि चलो बताओ टी बराबर 0 पर ए कितना, तो t का मान 0 रख देते हैं, कितना आ रहा है a का मान, बोले सर 0 आ रहा है, अगर हम लोग t का मान 1 रख दें तो क्या a कितना आ रहा है, बोले a का मान सर 2 आ गया, आप तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अच्छा अगर हम लोग t का मान 2 सेकंड रख दें तब कितना आ जाएगा, बोले 2 दुनी की 4, मतलब 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा सर ये तो क्या अलग अलग समय पे त्वरण अलग अलग हो रहा है कि नहीं, लेकिन जो ये समीकरण था ये समीकरण केवल तभी लग सकता है जब त्वरण कैसा हो, नियत हो, ठीक है। तो यहां हम दो अलग अलग चीजें सिखाएं, तो क्या ऐसा लग रहा है क्या कि जैसे कितना टफ बता दी कुछ तो पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, समझ में तो आ गया होगा हम लोग को, तो हम ना बस यही सिखाना चाह रहे हैं कि अगर मान लेते हम लोग बोर्ड के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं कि सर रट लेते हैं नियत त्वरण नियत त्वरण नियत त्वरण, सरल रेखा गति सरल रेखा गति सरल रेखा गति, तो ज्यादातर चांस है कि हम लोग 7 दिन बाद 10 दिन बाद 1 महीने बाद 2 महीने उसको भूल जाएंगे, लेकिन अगर हम इसको लॉजिकली एकदम रीजनेबल समझ लिए और उस पर कई सारे प्रश्न कर लिए तो हम लोग को बहुत समय तक याद रहेगा। तो हम लोग ना बस यही सिखाना चाह रहे हैं कि बोर्ड और कंपटीशन अलग अलग नहीं है, कॉन्सेप्ट को रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है, और ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है, ठीक है, और इन सब ढेरों एग्जाम्पल के साथ साथ ही हम लोग अपनी पूरी क्लास को इसी तरीके से अरेंज किए हुए हैं कि आप बोर्ड और कॉम्पिटिशन को अलग अलग न माने, और हम लोग इस बात की गारंटी ले रहे हैं अगर आप हमारे इस चैनल ऑनलाइन माई स्कूल पर चलाए गए हम लोग के कोर्स को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप बोर्ड में निश्चित तौर पर 90 से ज़्यादा परसेंटेज लाएंगे और 12th पास होते होते तक किसी न किसी अच्छे कॉलेज में जरूर से जरूर सेलेक्ट हो जाएंगे बिना कॉम्पिटिशन में समय गवाए।
देखिए, और एक और खुशखबरी आप सभी के लिए, जो लोग हमसे रेगुलरली पढ़ रहे हैं या जो लोग हमसे पढ़ेंगे उन सभी के लिए खुशखबरी है कि अब हम लोग लाइव आने वाले हैं। लाइव आने से ये फायदा हो जाएगा कि अगर आपको मान लीजिए कुछ पढ़ते वक्त कोई डाउट आया तो आप तुरंत कमेंट करके टीचर से उस बारे में पूछ सकते हैं और टीचर आपका कमेंट पढ़कर आपके उस डाउट को उसी क्लास में क्लियर कर देंगे ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को, उस चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। देखिए, लाइव क्लास के लिए ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करके और बेल पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेंगे तो जब भी हम लोग कोई लाइव क्लास लेकर आएंगे तो तुरंत आपको YouTube से नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी लाइव क्लास आपसे छूटे ना, ताकि आप अपने सारे डाउट को क्लियर करते हुए हर टॉपिक को, हर चैप्टर को, हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छा मजबूत कर सकें। और एक और बात कि चैनल के साथ साथ हमारा ऑनलाइन माई स्कूल का ऐप भी है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप इस लाइव क्लास पर बेस्ड 10 क्वेश्चंस कर लेंगे, जिससे आपके लाइव क्लास में बढ़ाए गए टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। और हमारे उस ऐप में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स, आपके एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आपके साइड बुक का सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखें और हमारे ऐप ऑनलाइन माई स्कूल को प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर लें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो हम लोग के इस ऐप और इस चैनल का लाभ उठा सकें। थैंक यू।